तो सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, आप देख रहे हैं शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, आप इसको यूज करके बहुत आसानी से घर बैठ के एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन पे। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा फ्रीलांसिंग क्या होता है, लेकिन मैं पहले उन लोगों के लिए बात करूंगा जो लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में पता नहीं है। मैं उन लोगों को फ्रीलांसिंग क्या है पहले बताऊंगा, और क्या क्या ऐसा वेबसाइट है जहां पर जाके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड रिलेटेड काम करते हो कैसे आप फ्रीलांसर बन सकते हो। आज ये जो हम बात करने वाले हैं खास करके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम करते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, ड्राफ्ट्समैन हुआ, इंटीरियर डिजाइनर हुआ, खास करके उन लोगों के लिए आज ये टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्रीलांसिंग होता क्या है। दोस्तों एक फ्रीलांसर मतलब कि हम लोग पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं एक वेबसाइट में जाके। कुछ वेबसाइट है जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, वहां पर जाके हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। आप किसी भी टाइप का काम कर सकते हैं, और दो टाइप का मेनली विजिटर वहां पर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो काम लेते हैं। जैसे कि हम लोग हुए काम कंप्लीट करके देते हैं, और जो काम प्रोवाइड करते हैं वो होता है कोई फार्म हुआ, कोई छोटा कंपनी हुआ, या फिर बड़ा कंपनी भी होता है। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस पे क्लाइंट आते हैं, काम प्रोवाइड करते हैं। तो एक अच्छा मार्केट प्लेस हुआ। और खास करके दोस्तों अभी का टाइम पे फ्रीलांसिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है उस वेबसाइट में जाके। आपको अगर पता नहीं है किस तरह से वहाँ पर जाके प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली हम लोग जो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, हम लोग कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि ऑटो कैड हुआ, 3DX मैक्स हुआ, रेविट हुआ, स्केचअप हुआ, इस टाइप का जो 3D सॉफ्टवेयर है, और डिजाइन रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर जैसे कि स्कैड प्रो, ये सब सॉफ्टवेयर सीख के आप वहाँ पर अपना अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले आपको वहाँ पर जाना है, प्रोफाइल क्रिएट करना है, और उसके बाद जब आपको वर्क दिया जाएगा आप उस वर्क को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करके देंगे, और क्लाइंट उस काम को रिसीव करके आपको ऑनलाइन पे पेमेंट कर देगा। जब आप वर्क कंप्लीट करके देंगे डायरेक्टली क्लाइंट के पास नहीं जाएगा, जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वहां पर जाएगा, फिर क्लाइंट उसको वेरीफाई करने के बाद उनको अच्छा लगा उसके बाद आपको पेमेंट कर देगा जो आएगा फ्रीलांसिंग वेबसाइट में, बाद में आपका अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा प्रोसीड्योर बिल्ड हुआ है फ्रीलांसिंग वेबसाइट के पीछे। इसमें आप सिक्योरली काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और सबसे मेन बात क्या है दोस्तों, आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, खासकर कि इंटीरियर पे, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा जैसे कि 3DX मैक्स हुआ, आप यहाँ पर बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सिर्फ सीखने आपको लग रहा होगा मैं 3D तो बना लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है ना, जो कंपनी आपको काम प्रोवाइड करेगा, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा एफिशिएंट आदमी अवेलेबल है जो ये सब काम में एक्सपर्ट है। तो आप खुद को एक्सपर्ट बना लीजिए 3D के ऊपर, उसके बाद जाके आप फ्रीलांसिंग कीजिए। उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से सीखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपको किस टाइप का काम मिलेगा अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेनली जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होता है, प्लानिंग होता है, जैसे कि ऑटोकैड भी आप ड्राइंग किए, आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइन बना सकते हैं, आप एक्सटीरियर डिज़ाइन बना सकते हैं, इसके थ्रू आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और अभी दोस्तों बात करते हैं क्या क्या फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पर आपको जाके प्रोफाइल बनाना चाहिए। दोस्तों मार्केट में अभी बहुत फ्रीलांसिंग वेबसाइट आ चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को टॉप वेबसाइट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर अगर आप एक फ्रीलांसर बनते हैं तो आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल सकता है, और पॉपुलर वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा क्लाइंट आते हैं और काम प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है Fiverr.com, ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, बहुत पुराना वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम काम होता है $5 पे। सेकंड फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में आप लोगों के साथ बात करता हूँ दोस्तों, वो Freelancer.com। थर्ड है Upwork.com, ये भी एक बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जो इंडिया का है, आप यहाँ पर जाके भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।